भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच 6 फरवरी को खेला जाएगा। ये वनडे मैच भारत के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। भारत की टीम पहला वनडे मैच खेलते ही वनडे क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने का काम करेगी। ये ऐतिहासिक मूवमेंट क्या है आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में टीम इंडिया के सपोर्ट में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको बता दें कि 6 फरवरी को भारतीय क्रिकेट टीम अपने वनडे क्रिकेट के इतिहास का 1000वां मैच खेलने मैदान पर उतरेगी। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम भारत बन जाएगी, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। भारत ने अपने 999 वनडे मैच में अब तक कुल 518 मैच में जीत और 431 मैच में हार का सामना किया है। इसके अलावा 9 मैच बिना रिजल्ट के खत्म हुए हैं। 41 मैचों में कोई नतीजा नहीं निकला। 13 जुलाई 1974 को भारत ने अपना पहला वनडे मैच इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स के हेंडिंगले पर खेला था। ये ऐतिहासिक वनडे मैच 55-55 ओवर का हुआ था, जिसमें इंग्लैंड 4 विकेट से मैच जीतने में सफल रहा था। भारत के पहले वनडे मैच में कप्तानी अजीत वाडेकर ने की थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 54 ओवर में 265 रन बनाए थे और भारत की ओर से सबसे ज़्यादा रन ब्रिजेश पटेल ने बनाए थे। साथ ही कप्तान वाडेकर ने 67 रन की पारी खेली थी। भारत के पहले वनडे मैच में सुनील गावस्कर ने 28 रनों की पारी खेली थी। सबसे पहले भारतीय टीम ने 1983 में वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था, तो वहीं 28 साल के बाद 2011 में भारत ने धोनी की कप्तानी में दूसरी बार वर्ल्ड कप का खिताब जीतने का कमाल किया था। तो अगर आपको भी ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।